दोस्तों जो आज मेरे पास कार्ड की ट्रिक है वो अगर आप किसी को भी दिखा दे तो वो पक्का उल्लू बन जाएगा। एक बार दिखाइए, दो बार दिखाइए, तीन बार दिखाइए, अगर अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं तो ठीक है। तो मैं पहले वो ट्रिक जो वो दिखाऊंगा आप लोगों को परफॉर्म करके, एंड बाद में उसका सीक्रेट भी आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप भी इसे सीख सकें। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइस जो ट्रिक होगी ना हमारी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप स्किप मत कीजिए क्योंकि अगर मिस कर दिया थोड़ा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक पूरा डेक है कार्ड्स का, ठीक है। आपने देख लिया, अभी भाई मान लीजिए मैं इसमें से कोई भी ऊपर से कार्ड है ऊपर का एक निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए। और ये कार्ड आपको याद कर लेना है, ठीक है, भूलना मत भाई किसी भी तरह से, ठीक है, याद कर लीजिए। अभी मैं देखूँ ना देखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। देख लीजिए ये कार्ड जो वो आपने याद कर लिया, इसको रख देते इस तरह से। अभी भाई ऊपर का कार्ड था, कौन सा था, ऊपर का कार्ड, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकाल के बीच में कहीं पर भी रख दूंगा, ठीक है, कहीं पर भी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए रख दिया, और डेक को भी एक बार छोड़ दूँ ताकि आपको विश्वास हो कि भाई कहीं पे भी उंगली फंसा के नहीं रखी है मैंने, ठीक है। अभी देख लीजिए वापस से उठाता हूँ, ज़्यादा शक जा रहा है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं भाई, एक कट भी लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता है, बट जैसा लगेगा वैसा, ठीक है, कट लगा दिया ऐसा फालतू में बेकार सा, ठीक है। अभी देख लीजिए गाइस, आपको बोलना है स्टॉप, बट आप यहाँ पर नहीं है तो आपकी जगह पर मैं बोल दूँ अभी के लिए तो चलेगा। देखिए स्टॉप, ठीक है गाइस, देख लीजिए हमारा कार्ड कहाँ पर रखा था हमें पता नहीं था, ठीक है। अभी वो निकल के कहाँ से आता है, ठीक है, इतना कार्ड जो वो मैं निकाल लेता हूँ बीच में से, ठीक है। और ये हिस्सा जो वो बीच का है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी कार्ड निकाल लिया, बीच में से आप लोगों की आंखों के सामने निकाला, मैजिक किया। और देख लीजिए कार्ड कौन सा है, ए ऑफ डायमंड। तो गाइस क्या ये था आपका कार्ड, देख लीजिए कैसे बीच में से मैंने मतलब देखे बिना कुछ भी किए बिना निकाल दिया, ठीक है। कैसे निकाल लिया कार्ड, तो कुछ ऐसे रखे हुए थे। तो सीखना है तो वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों ये थी वो आज की ट्रिक, चलिए अब मैं आपको इसके पीछे का सीक्रेट अभी बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोज़ आगे भी देख सके। तो चलिए इसका सीक्रेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वैसे यहाँ पर ट्रिक अपनी एकदम सिंपल सी, आपको तय करना है कि आपको ऑडियंस को कौन सा कार्ड दिखाना है, ठीक है। सेवन ऑफ डायमंड है ये, तो ये दिखाना है, तो इसको रखना है सेकेंड पोजिशन पर। देखिए ऊपर का कार्ड कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी भाई आपको उठाना ही इस तरह से, देखिए एक साथ दो कार्ड ऊपर के उठाने हैं, ठीक है, डबल लिफ्ट, देख लीजिए डबल लिफ्ट। अभी इसको अगर आप घुमा के दिखा देगा तो कौन सा दिखेगा, पीछे का तो आपको दिखाना नहीं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पकड़ के रखना है, नहीं तो दिख जाएगा तो फालतू मतलब आप पकड़े जाओगे, ठीक है। अभी ये कार्ड वापस से जल्दी से घुमा भी दीजिए। अभी भाई ये कार्ड उठाइए, बीच में कहीं पर भी रखिए, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है अपना। अभी अगर उनको भरोसा दिलाना है तो आप इस पर कट भी लगा सकते हैं, पर याद रखिए ये हमारा कार्ड जो वापस से ऊपर ही आना चाहिए। देखिए ये ऐसे कट लगा दिया, पर इस कार्ड को वापस से ऊपर ही लाइए, ठीक है। अभी ये ऊपर रह गया हमारा कार्ड, अभी देखिए ऊपर ही है, ठीक है। अभी मान लीजिए ऑडियंस बोलती है स्टॉप यहाँ पर, इस तरह से स्टॉप, तो आपको क्या करना है, बीच में से देखिए इस तरह से पकड़िए, यहाँ पर अंगूठा रखिए और इस तरह से दिखा दीजिए उन्हें, और इसे ले लीजिए, और आपका कार्ड जो वो यहाँ पर था वो आ जाएगा बीच में, और इस तरह से आप उसे दिखा सकते हैं कि भाई देख लीजिए जो तुम्हारा कार्ड था ना वो बीच में से निकाल दिया मैंने बिना देखे। तो गाइस भाई ये थी वो आज की ट्रिक, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक तो करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथ में।